दोस्तों अगर इस वीडियो पर आप लोग क्लिक किए हैं तो या तो अपने चैनल का नाम सोच रहे हैं या दोस्तों जो सोच रहे हैं वो पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों को डाउट है कि जो अपने चैनल का नाम बेस्ट है कि नहीं। और दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, एंड आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपका चैनल नाम बेस्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो बेस्ट चैनल का नाम क्या रखना चाहिए या कैसे ढूंढना चाहिए, ट्रस्ट करो चैनल नाम ऐसी वीडियो आप लोग को शायद यूट्यूब पर मिल जाए। क्योंकि दोस्तों 2022 में जो भी अभी चैनल वीडियो बन रहे हैं तो आप लोग को इंटरेस्ट नॉलेजेबल बन रही है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता विदाउट फनी, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक्सन। आइए वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले अभी तक इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो जाकर तुरंत फॉलो कर सकते हैं और हमें सीधे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं चैनल नेम को लेकर बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट नंबर वन आता है दोस्तों यूनिक नेम, बैड या बुरा, मतलब दोस्तों आपको मालूम चलना चाहिए कि हमारा जो यूनिक चैनल नेम रखा हो वो दोस्तों हमारे लिए कितना बैड है कितना लकी है वो इस वीडियो में जानेंगे। तो चैनल नाम चूज करते समय आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा चैनल का नाम यूनिक हो और सबसे अलग हो, एंड क्या आप जानते हैं हर यूट्यूब यूनिक नाम ढूंढने के चक्कर में मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। फाइनली अनकम्प्लीटेड नेम, मतलब उस पर बात करें अनकम्प्लीटेड नेम की, जो कि फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे एक जो कि चैनल के बारे में जो कि उसका नाम यूनिक है, जैसे मान लीजिए टेक्निकल योगी हो गया, मनोज देव हो गया, तो इसके ऊपर अगर दूसरा आप लोग चैनल का नाम ढूंढते हैं तो हो सकता है आप लोग को दोबारा ना मिले। कोई चुका तो दूसरा भी बनाता है, कोई बंदा दूसरा उस नाम पर बनाता है तो हो सकता है तो उस चैनल उसका ग्रो भी नहीं कर पाया, तो वही गलती होती है। अब दोस्तों वहीं पर दोस्तों बात करेंगे यूनिक चैनल जो होता है जो कि यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे दो अनकम्प्लीटेड ऐसे तुम्हारा कॉन्टेक्ट ताकि तगड़ी लगे वो तुम्हें याद रखे। अब कैसे अपना चैनल का नाम रखें कि लोगों को दूसरों को एक बार में याद रखे, तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे जो पहला रूल था वो सिंपल था, यूनिक नेम जो कि ढूंढना, लेकिन यह एक सिंपल नाम है और नाम रखना क्या और एक बेस्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो एक नाम अच्छा भी रखना चाहिए जो कि आपके लिए एक बेस्ट होना चाहिए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि चैनल का नाम बनता नहीं, बनाना पड़ता है, चाहे तो आप चैनल का नाम कुछ भी रखें, लेकिन जो भी रखें याद रहे कि जो भी रखें उसका नाम सेम हो, नाम दूसरे नाम से कोई चैनल तो नहीं है। वो पहले यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे, कैसे सर्च करेंगे उस वीडियो में जाने तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अब दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पे कि अगर उसी नाम से दूसरा चैनल है तो हम क्या करें, अगर यही सब गलती कर देते हैं तो आगे चल के आप लोग बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ सकती है। परेशानी क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जब भी यूट्यूब पर जाकर उस चैनल का नाम सर्च करते हैं तो वहाँ चैनल का नाम सर्च में ही नहीं आता है, या यही सबसे बड़ी गलती होती है, चैनल मतलब ग्रो भी नहीं होता है। तो अब क्या करें कि चैनल आपका सर्च में आ जाए और सबसे ऊपर में आगे ग्रो भी हो जाए। आप गुरु मंत्र जानिए, सबसे यूट्यूब का चैनल का नाम किसी भी बड़े यूट्यूब को देखकर नहीं रखना चाहिए। अगर दोस्तों अगर आप बड़े यूट्यूबर का नाम अगर कॉपी करेंगे और नाम करेंगे, मतलब जो भी है कभी ना करें दोस्तों, अगर आप मतलब उस बड़े यूट्यूबर का नाम कॉपी करके रखते हैं, फॉर एग्जांपल बात करेंगे दोस्तों कि किसी भी बड़े यूट्यूबर का अगर यूट्यूबर है उसका अगर नाम कॉपी करके अपना चैनल का नाम रखते हैं तो आपका मतलब चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा। और ऐसा गलती कभी भी आप नहीं करिए, आपका चैनल सर्च में भी नहीं आएगा। अब बात करें कॉमन नाम कभी भी ना रखें। एक बात है जब भी आप अपना चैनल का नाम सिंपल रखें ताकि व्यूअर को भी याद रहे कि अधिक से अधिक आपका चैनल का नाम, मतलब दोस्तों दो वर्ड के नाम से रखें। एग्जांपल जैसे मेरा नाम है टेक्सनी, तो मैं टेक्सनी रखा हूँ तो दो ही वर्ड आते हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर टेक्सनी ऑफिशियल जो मेरा दूसरा चैनल वो भी देख लीजिएगा, मैं ऐसा रखा हूँ, मगर उसे दो से तीन, तीन से चार नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे जैसा कि मेरा चैनल आप लोग पहले से देख सर्च करके देख सकते हैं, अब क्या करना चाहिए अपने मोबाइल में चैनल को कैसे फाइंड करेंगे, बने रहिए इस वीडियो में मोबाइल की स्क्रीन पर और पूरी जानकारी देता हूं और कैसे फाइंड करना है वो भी सब मैं मोबाइल के ऊपर बताता रहता हूं। चलिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि देखते हैं हम आ चुके अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं यहाँ से ओपन करूँगा डायरेक्ट यहाँ से यूट्यूब। अब दोस्तों जैसा कि मैं यहाँ पे यूट्यूब को अपने ओपन किया और ओपन करने के बाद दोस्तों जैसे कि मान लीजिए मैं कोई चैनल का नाम यहाँ पर सर्च करता हूँ, जैसे मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं अपना टेक्सनी के रिलेटेड और कोई यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा टेक्सनी का जो नाम है ऊपर ही आ रहा है। और यहाँ पर जैसे ही मैं सर्च करूँगा यहाँ पर दोस्तों मेरा ही चैनल सबसे ऊपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसके रिलेटेड कितने चैनल अभी तक बने हैं, उसके बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थ्री डॉट आपके ऊपर दिखता होगा यूट्यूब के कोने में, इसके ऊपर क्लिक करना और फिल्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर टाइप्स लिखा है, ठीक है,
टाइपस्क्रिप्ट में आर लिखा है, यहाँ पर दोस्तों वीडियो चैनल प्लेलिस्ट और मूवी देखने को मिल रही है, ठीक है। तब यहाँ पर सिंपली यहाँ पर चैनल के ऊपर क्लिक कर दीजिए और नीचे सिंपली यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। अब जो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मेरा फर्स्ट चैनल टेक्सनी है, दूसरा चैनल जो देखने को आपको मिल रहा है टेक्सनी ऑफिशियल जो मेरा है चैनल, और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सनी टेक टेक्निकल सनी, यहाँ पर मतलब बहुत सारे यहाँ पर चैनल आप लोग को नीचे देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको टेक्स्ट सनी देखने को नहीं मिलेगा, तो स्पेलिंग में गलती हो जाएगा या तो आपको चैनल में गलती हो जाएगी। अब दोस्तों आप लोग को क्या करना है कि हम लोग को ये जैसे कि यूनिक नेम हो गया, तो आप लोग को अपने चैनल का नाम क्या रखना है, जैसे कि दोस्तों मैं दूसरा एक चैनल मान लीजिए सर्च करता हूँ टेक्निकल गुरुजी, जैसे मान लीजिए टेक्निकल गुरुजी को मैं यहाँ पर, चलिए मैं टेक्निकल गुरुजी को यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ से सर्च करूँगा तो इनका ही चैनल सबसे ऊपर में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो चैनल के रिलेटेड कितने आदमी स्क्रीन मतलब इनके नाम से चैनल बनाए, तो अभी यहाँ पर फिल्टर करेंगे और दोस्तों टाइप्स के ऊपर आल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चैनल के ऊपर क्लिक करके सिंपल यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे चैनल जो कि यहाँ पर द टेक्निकल गुरुजी हैं, टेक्निकल गुरुजी यहाँ पर देखिए एक बंदा बना कर रखा है। लेकिन ऐसा आप लोगों को गलती नहीं करना, क्योंकि आप लोग जैसे ही गलती करेंगे यहाँ पर देखिए बहुत सारे टेक्निकल गुरुजी के नाम से फ्रॉड यहाँ पर चैनल बना कर रखे हैं कि ताकि वो लोग यहाँ पर सक्सेस हो जाए। लेकिन दोस्तों आपको ये गलती कभी भी नहीं करना है, आपको अपने चैनल को नाम यूनिक रखना है। और यूनिक नाम कैसे सर्च करेंगे इस पर भी आपको चैनल नहीं बनाना है। तो आपको मन में यही सवाल है कि आपको इतना बार सर्च सर्च कर रहे हैं लेकिन हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पर दिमाग लगाएं कि यहाँ पर कौन सा अपना नाम यहाँ पर रखेंगे कि आपको देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि मेरा SKG रख दिया, ठीक है, SKGYT। अब यहाँ पर देखते हैं इस चैनल के नाम से यहाँ पे है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर देखते हैं तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो कुछ यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए वो SKG बोर्ड लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बोर्ड लिख दे रहा हूँ SKG बोर्ड। अब इसको मैं सर्च करूँगा दोस्तों, तो ये आपका लगता है यहाँ पे यूनिक नेम एक मिल देखने को मिलेगा। अब SKG बोर्ड को यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे फिल्टर किया और टाइप्स के ऊपर जाकर दोस्तों चैनल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से सिंपली मैं इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये चैनल का नाम कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब आप दोस्तों ये चैनल आप आगे चल के बहुत सारे ग्रोथ होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर SKG बोर्ड का आपको एक भी चैनल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर ऊपर में SKG ऑफ इंस्टीट्यूट देखने को मिल जा रहे हैं, बहुत सारे चैनल देखेंगे SKG नाम से, लेकिन आपको SKG बोर्ड देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए एक यूनिक नाम हो सकता है, तो ऐसे ही अपने चैनल के लिए एक यूनिक नाम सर्च कीजिए और आप ध्यान दीजिए कि आपका उस चैनल से दूसरा कोई चैनल मैच नहीं करता है, मतलब सेम नेम से सेम नाम का चैनल नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों अगर मिलेगा तो आपका चैनल ग्रो वहाँ पर नहीं होगा। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इस चैनल का नाम अपने यूट्यूब के लिए रख सकते हैं, अगर कुकिंग के लिए बनाते हैं तो कुकिंग में सर्च कर दिएगा, आप टेक्निकल में बनाते हैं तो टेक्निकल में सर्च करते हैं, लेकिन जिस चीज का सबका सिंपल वही होगा। दोस्तों जो भी आप यूट्यूब में आएंगे चैनल का नाम यहाँ पर सर्च लिखेंगे और दोस्तों यहाँ पर जैसे सर्च पर लिख देंगे कोई भी, और यहाँ पर जैसे लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक फाइंड का बटन आ जाएगा जो कि कोने में देखने को यूट्यूब में मिल जाएगा। आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और दोस्तों टाइप के ऊपर क्लिक करके चैनल के ऊपर क्लिक करके और अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको चैनल ढूंढने में दोस्तों आपको बहुत सारे यहाँ पे मतलब यहाँ पर सोल हो जाएगा और यहाँ से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताया कि चैनल को आप लोग अपने चैनल को कैसे फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को YouTube चैनल यूनिक नाम कैसे फाइंड करें, पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं बताया था कि अपने चैनल के लिए बेस्ट चैनल नाम आइडिया जो कि आइडिया के बारे में बताया था, वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी वो वीडियो के एंड में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं, या दोस्तों आपको आई बटन में मिल जाएगा वहाँ पर भी जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पर ट्विटर पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके मन में सवाल होते हैं नीचे दिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।